और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात करेंगे हम? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ की, ये दाहिना हाथ है, ठीक, देख लो ध्यान से, अच्छे समझ जाओ, नहीं तो समझ लो, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, किस प्रकार? कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। परस्पर लंबवत का मतलब इनके इनके बीच भी 90 अंश का कोण हो, इनके इनके बीच भी 90 अंश का कोण हो और इनके इनके बीच भी 90 अंश का कोण हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो अब ध्यान से देखो, ये है बाएं हाथ का नियम, ये है दाएं हाथ का नियम, दोनों को मैच कराते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसमें मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, इसमें भी मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, लेकिन प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, इसमें अंगूठा बल की दिशा को, इसमें अंगूठा चालक की गति की दिशा को। अब समझ में आया? तो अब फाइनली फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कैसे आपको लिखना है? यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं और इस नियम से हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं।